हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, हम क्लास 11 का सोशियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। जो पहली बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसका थर्ड चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, फैमिली आर लिंक टू अदर सोशल स्फीयर एंड फैमिली चेन। क्या मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या हमारा फैमिली फैमिली भी एक टाइप का सोशल इंस्टीट्यूशन है? क्या वो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है, कोई लिंक रखता है? या ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या फैमिली हमेशा सेम ही रहती है या हर सोसाइटी में सेम ही रहती है, या फैमिली चेंज भी होता है, फैमिली चेंज होता है? तो दोनों क्वेश्चन का एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऐसी क्यों पॉलिसी बनाती है कि गवर्नमेंट का एक योजना है, गवर्नमेंट का एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गवर्नमेंट फैमिली में क्यों इंटरफेयर कर रही है? इसका मतलब आपने देखा कि पॉलिटिकल जो मैटर है, यानी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो फैमिली पे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है। फैमिली में किसी ने अपने जो फीमेल फेटिसाइड करने लगा, जैसे भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, कि बच्चियों को जन्म से पहले ही मार देना है, जन्म के जस्ट बाद मार देना, तो इसके लिए गवर्नमेंट खुद बीच में आई है। यानी आप देख रहे हो, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फैमिली सेपरेट है, फैमिली में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। फैमिली में इंटरफेयर करता है पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्पेयर इकोनॉमिक सब इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट का या कई स्टेट में ऐसे स्कीम होते हैं, गवर्नमेंट के कई ऐसे योजना होता है कि अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करोगे, दूसरे कास्ट में मैरिज करोगे, तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट फैमिली में क्यों इंटरेक्ट कर रही है? तो यानी फैमिली सेपरेट नहीं है, फैमिली में इंटरेक्शन हो सकती है। और एक और चीज, फैमिली हमेशा सेम नहीं रह सकती। आप मान लो अभी ज्वाइंट फैमिली के पार्ट हो, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में आपने कर ली डॉक्टरी, आपने कर ली इंजीनियरिंग, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके गांव में तो हॉस्पिटल है नहीं, आपके गांव में तो एमएनसी है नहीं, तो आपको बाहर आके जॉब करना होगा। तो आप अभी ज्वाइंट फैमिली के पार्ट थे, अब आप न्यूक्लियर फैमिली के पार्ट हो जाओगे। यानी फैमिली हर एक स्पेयर से इंटरेक्ट करती है। बाहर इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उससे आपके फैमिली में इम्पैक्ट पड़ता है। बाहर पॉलिटिकल में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉलिसी में, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक अनइंटेंडेड एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ध्यान देना कि जर्मन यूनिफिकेशन के बाद, ध्यान देना जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी में जो शादी का रेट था, जो लोग शादी करते थे, वो रेट बहुत घट गया। ऐसा क्यों? इससे पहले जो शादी करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसिलिटीज सब बंद हो गई। मतलब शादी करोगे तो मान लो हो सकता है कि आप शादी करोगे तो पैसे मिलेंगे, शादी करोगे तो ये फायदा मिलेगा आपको, हस्बैंड वाइफ है तो ये इंश्योरेंस मिल जाएगा, ये मतलब ऐसे ऐसे फायदे मिलते। वो फायदे मिलने जैसे ही बंद हो गए तो शादियां होनी ही बंद हो गई। ठीक है ना, एक चीज, जो तलाक जितना आसान होगा, ध्यान देना, तलाक का प्रोसेस जितना आसान होगा, तलाक का रेट उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है ना, देख रहे हो, पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल मैटर की तलाक को आसान बनाना किसका मैटर है, पॉलिटिकल मैटर, और उससे डायरेक्ट कहाँ इंपैक्ट हो रहा है, हमारी फैमिली में। ठीक है ना, तो सब सब आपस में रिलेटेड है। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, ये तो मैंने बता रखा है, फैमिली एंड किनशिप आर दस सब्जेक्ट टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस, बट द डायरेक्शन ऑफ चेंज नीड नॉट ऑलवेज बी सिमिलर ऑफ ऑल कंट्री एंड रीजन। ये बताया जा रहा है कि हमारा फैमिली टाइप और किनशिप टाइप में चेंज तो आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, किसके कारण, इकोनॉमी के कारण। जैसी इकोनॉमी है, जैसे मान लो सर्विस टाइप इकोनॉमी है, सर्विस टाइप इकोनॉमी, जो आप अगर इंजीनियरिंग कर लियो तो आपको गांव में जॉब नहीं मिलेगी, आपको बाहर दिल्ली मुंबई बेंगलोर आना पड़ेगा, गुड़गांव आना पड़ेगा, नोएडा, ठीक है ना, तो आपको जॉब करनी। तो अभी आप किसी और हाउस होल्ड के पास थे, अब अपनी फैमिली के पास रहते थे, लेकिन अब अकेले दोस्तों के साथ रहना पड़ेगा। तो लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूँ, फैमिली या किनशिप में चेंज तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो चेंज सारी पूरे दुनिया में सेम टाइप से हो, सब सोसाइटी में अलग अलग होता है। ठीक है ना, और हाउ जेंडर्ड इन द फैमिली, जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि फैमिली में क्या होगा, जेंडर का इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत सारी फैमिली क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड कर देती है। फीमेल फिटिसाइड मतलब बच्चियों को मार देना। ऐसा क्यों मारती है,
क्योंकि उसके जहन में चल रहा है कि बच्चियों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना तो कोई फायदे का वो नहीं है, क्योंकि वो तो क्या होगी, मतलब वो सिर्फ अपना पर्सनल वो सोच रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ तो रहेंगी नहीं, मेरे जो ओल्ड एज में वो मेरे साथ रहेगी नहीं, तो उसको पढ़ाने से फायदा क्या, उसको जल्दी से कुछ भी करके शादी करवा देते हैं, कहीं भी भिजवा देते हैं। तो आप देखते हो वो भी अपना पर्सनल क्या होता है, एक होता है कि अपना स्वार्थ देखना, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्पाइट द बायोलॉजिकल फैक्ट, ऐसा हमें सबको बायोलॉजी के हिसाब से सबको पता है कि फीमेल ज्यादा सर्वाइव, फीमेल के सर्वाइवल का चांस ज्यादा होता है मेल से, फीमेल ज्यादा दिन जीती है मेल से, फिर भी क्या होता है लोग फीमेल चिल्ड्रेन को कम तवज्जो देते हैं, मेल को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। नहीं आप कभी, मैंने तो नहीं सुना, आपने कभी सुना है मेल फिटिसाइड? फीमेल तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन आप मेल फिटिसाइड कभी सुना हो कि भ्रूण हत्या फीमेल का, जब मेल का कभी सुने हो? नहीं सुने हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक बार सेक्स रेशियो में कैसे डिक्रीमेंट आई है, जैसे यहाँ आप देख लो 1901 में 972 था, 1991 में 926 आ गया, इतना कम। लेकिन ध्यान दीजिएगा 2011 में, जैसे 2011 में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, क्यों, कि गवर्नमेंट इतनी ज्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समृद्धि योजना, गवर्नमेंट बेटी को कुछ ज्यादा ही तवज्जो, बहुत सारे स्टेट में पता है आपको जो शादी के समय, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है शादी के समय, तो लड़कियों को शादी कैसे कर पाएंगे, इसलिए बहुत फीमेल फिटिसाइड इस कारण भी होता है। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है कि आप जब शादी के समय जो बेटी के लिए ज्वेलरी होगी वो गवर्नमेंट खुद देती है, या बहुत सारे और स्कीम है जैसे समृद्धि योजना में है कि आपको शादी के समय जो आप धीरे धीरे जमा कीजिएगा शादी के समय में इकट्ठा पैसे मिलेंगे, या आप हायर एजुकेशन के लिए पैसे खर्चा कर सकते हैं। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जैसे खासकर हरियाणा ऐसे में बहुत सारे स्कीम लाए हैं, और बहुत सारे देश हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टेट ने वुमेन से रिलेटेड पॉलिसी अच्छी खासी बनाई, इसके कारण हमारा सेक्स रेशियो में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाई 1000 बॉय, मतलब 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, पहले 927 थी, अब ऑलमोस्ट 940 के आसपास हो गया है, आप देख लीजिएगा, मुझे एक्चुअली याद नहीं है पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे एक तेलुगु एक्सप्रेशन है, ध्यान देना, ब्रिंगिंग अप अ डॉटर इज लाइक वाटरिंग ए प्लांट इन अनदर कोर्ट यार्ड, मतलब आप देख रहे हो कितना कितना स्टीरियोटिपिकल लाइन है, देख रहे हो मतलब कितना, मतलब इससे स्टीरियोटिपिकल क्या हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि आप वुमेन को पालने से अच्छा है कि पालने का मतलब है किसी और के बगीचे में लगे पेड़ को आप पानी दे रहे हो, मतलब कितना है पता नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज चाहे कैसी भी बात करो, चाहे किसी भी सोसाइटी की बात करो, मैरिज भी वाइडली एक्सेप्टेड है हर एक सोसाइटी में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल बताया था, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, हरियाणा पंजाब में, लेकिन फिर इंक्रीज होने लगा, ठीक है ना। आप देखते हैं, देखो वो जो मैरिज का टाइप है, अलग सोसाइटी में जैसे मॉडर्न सोसाइटी में लव मैरिज ज़्यादा होते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी विलेज एरिया में अभी भी अरेंज मैरिज का ज़्यादा प्रथा है, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मैरिज क्या क्या होते हैं, देखते हैं। देखो मैरिज हैज लार्जली वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, बहुत टाइप के होते हैं, जैसे आप किससे शादी करोगे, ठीक है ना। देखो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर, देखो आप फॉर्म्स ऑफ मैरिज के दो तीन बेसिस पे है, पहला पहला क्या बेसिस है, नंबर ऑफ पार्टनर, आप कितने पार्टनर रखना चाहते हो। पार्टनर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियों के लिए लड़का, किसी के लिए भी, किसी एक सेक्स के लिए अपोजिट सेक्स, ठीक है ना, सेम सेक्स भी हो सकता है, आपको तो पता ही है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी उनमें मैरिज अब अलाउ नहीं है, सेम सेक्स मैरिज अभी भी इलीगल है, रहना अलाउ कर दिया गया है, लेकिन सेम सेक्स पे अभी भी जो मैरिज है वो अलाउ नहीं है। तो जनरल डेफिनेशन देखते हैं, देखो नंबर ऑफ पार्टनर कितना रख सकते हो, जैसे मैट्रिमोनी क्या होता है, देखो एक सेकेंड, मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब होता है कि एक हस्बैंड का एक वाइफ और एक वाइफ का एक हस्बैंड, मतलब सिंगल हो गए,
कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनोगामी रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल टू वन स्पाउज एट अ टाइम, वन स्पाउज एट अ टाइम, मतलब मोनोगामी का मतलब होता है कि एक लड़का एक ही लड़की से शादी करेगा या एक लड़की एक ही लड़का से शादी करेगी, ठीक है ना। और एक और चीज, एक नया टर्म आता है, एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, नीचे लिखा हुआ है, हाँ, एक इंडिविजुअल बार बार शादी कर सकता है, मान लो वो डिवोर्स बार बार तलाक दे दे के शादी कर रहा है, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीरियल मोनोगामी, मतलब एक बारी में मोनोगैमी ही है लेकिन बार बार तलाक दे रहा है या उसके पार्टनर का डेथ होने के बाद फिर से शादी कर रहा है, इसको बोलते हैं सीरियल मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब समझिए एक बार में एक ही पार्टनर चाहिए, दो दूसरा नहीं। लेकिन पॉलीगैमी का मतलब होता है, पॉलीगैमी दो टाइप का होता है, एक बारी में एक लड़की बहुत सारे लड़के, और दूसरे केस में एक लड़का बहुत सारे लड़कियां। देखो, और जो पॉलीगैमी दो टाइप का होता है, ठीक है ना, पॉलीगैमी में क्या बताया मैंने, एक बारी एक लड़का बहुत सारी लड़कियां, और दूसरे केस में एक लड़कियां बहुत सारा लड़का, एक लड़की बहुत सारा लड़का, उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। और एक एक जो जैसे यहाँ पे देखो पॉलीगिनी, एक होता है पॉलीगिनी मतलब एक हस्बैंड दो से ज्यादा वाइफ, जैसे मुस्लिम में अभी भी अलाउ है लेकिन जनरली नहीं होता है ये देखो थ्योरिटिकली मुस्लिम कम्युनिटी में अभी भी अलाउ है लेकिन जो प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। पॉलीएंड्री का मतलब होता है वन वाइफ और टू और मोर हस्बैंड। देखते हैं सीरियल मोनोगैमी का मतलब समझ गया आप, ठीक है। हाँ, एक और देखते हैं आप क्या है। एक चीज आप देखो कि पहले क्या होता था, 19 सेंचुरी के बाद आते थे, उस समय विडो रीमैरिज करना अलाउ नहीं था, तो उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट हुआ, बहुत सारे रिफॉर्म्स मूवमेंट चले गए, तो उसके बाद जो विडो रिमैरिज करना अलाउ हो गया। लेकिन अभी भी आप देखो 2000 की स्टडी है, इंडिया में अभी भी 10% ऐसी वुमेन है जो विडो है, मतलब विधवा हो चुकी है, और 55% ऐसी वुमेन है जो 50 साल से ज्यादा की वुमेन है वो विडो हो चुकी है। इसका एक और कारण है, जो एज मैरिज में एज गैप बहुत ज्यादा होता है, जैसे लड़का, आपको पता है लड़का 1-2 साल कम ही जीता है लड़की से, और जो मैरिज का गैप वो भी 10 साल कर लेते हैं, कभी कभी 10, 12, 15 साल ऐसे कर लेते हैं, तो आपको तो पता ही है लड़की को फिर तो विडो रहना ही पड़ेगा ना, मतलब बायोलॉजिकली बात करें तो भी, ठीक है ना। पॉलीगिनी और पॉलीएंड्री तो हमने समझ गए। पॉलीएंड्री जब एक वाइफ होती है कई लड़के होते, एक ही केस में होता है कि जब एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में के केस में क्या होता है, या मेल की संख्या बहुत कम है, ऐसे एक दो ट्राइबल सोसाइटी में होता है, जनरली नहीं होता है, मतलब ये भी जनरली नहीं होता है, ठीक है ना। अब सेकेंड टॉपिक है द मैटर ऑफ अरेंजिंग मैरिज रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शन। देखो रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दो टाइप का मैरिज है, आपको पता होगा, एक होता है लव मैरिज, एक होता है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है, मेट का सिलेक्शन, मतलब जो अपोजिट जो सिलेक्शन होता है पार्टनर का, वो कौन करते हैं, पेरेंट्स करते हैं या रिलेटिव करते हैं, लेकिन जो कुछ किसी सोसाइटी में इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल के पास पार होता है, पावर होता है कि वो फ्रीली चूज कर सके अपने मेट को, ठीक है ना। तो इंडोगैमी क्या होता है, इंडोगैमी का मतलब होता है अरेंज मैरिज जिसमें सेम कास्ट में मैरिज करे, सेम कास्ट, ध्यान देना सेम कास्ट। एक्जोगैमी का मतलब होता है कि अगर लव मैरिज करे तो अपोजिट कास्ट में करेंगे। और एक और चीज, एक टर्म होता है विलेज एक्जोगैमी, विलेज एक्जोगैमी का मतलब होता है कि अपने विलेज में ही नहीं शादी नहीं करना। इसका कारण ये दिया जाता है क्योंकि देखो सेम विलेज में शादी करेंगे तो बार बार दोनों फैमिली में बार बार इंटरफेरेंस चलता रहेगा, जो लड़की लड़की का इंटरफेरेंस इस फैमिली में भी, इस फैमिली में, इस मतलब लड़की लड़की के पापा लड़के के पापा का इंटरफेरेंस दोनों फैमिली में चल रहा है, सिर्फ इसको मना करने के लिए विलेज एक्जोगैमी भी किया जाता है कि मतलब अपने विलेज में भी शादी नहीं करना है, अपने कास्ट में करना है और अपने विलेज में नहीं करना है। यहाँ पे बताया गया रहे यही सब नॉर्मल, ठीक है ना। उसके बाद देखो लड़कियों लड़की दो सॉन्ग गाती है, फोक सॉन्ग है, जब लड़की विदा होती रहती है ना, जैसे सैड सैड ओकेजन होता है जब लड़की विदा होती रहती है, तो उस पे कुछ गाना है तो आप देख सकती हो, और दो गाना है फोक फोक म्यूजिक, तो ये तो देख सकते हो आप इसका एक, अगर मतलब देखना भी चाहते हो तो इसको इसको वो कर लो, कॉपी कर लो
और गूगल ट्रांसलेटर पे इसका हिंदी ट्रांसलेटर कर लो तो अब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस इसी टॉपिक यही है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डिफाइनिंग वाला।